काफ़ी सारे बढ़िया रीज़न है अफिलिएट मार्केटिंग में आने के, और अगर आप ऊपर दिए हुए स्टेप्स को मन से फॉलो करते हैं तो आप खुद भी सरप्राइज हो जाएंगे कि आप इससे कितना कमा सकते हो। अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है और आप इससे कैसे पैसे कमा सकते हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन में क्लिक कर दिए ताकि आप हमारी सारी वीडियोस देख पाए। आज के टाइम पे ऑनलाइन पैसा कमाना काफ़ी मुश्किल है, साथ ही साथ मार्केट में काफ़ी सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ है जिसको आप ग्रैब कर सकते हैं और उनके थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं। उसमें से एक है अफिलिएट मार्केटिंग। तो सबसे पहला सवाल, आखिर अफिलिएट मार्केटिंग है क्या? तो यूट्यूब पर अफिलिएट मार्केटिंग में वीडियोस बनाई जाती है जिसमें एक कंटेंट क्रिएटर कंज्यूमर या व्यूअर को एनकरेज करता है थर्ड पार्टी वेबसाइट से एक प्रोडक्ट खरीदने में, जैसे कि अमेज़ॉन। अब आपके दिए हुए लिंक के थ्रू कोई व्यूअर उस वेबसाइट से अगर कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो आपको मिलती है कमीशन। अब वो कमीशन हो सकती है 10% तक। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं और आपके लिंक के थ्रू कितने लोगों ने वो प्रोडक्ट खरीदा। अब अफिलिएट मार्केटिंग के एग्जांपल्स हो गए आपके रिव्यू, हाउ टू गाइड्स, अनबॉक्सिंग वीडियोस एंड सो ऑन। अब इन वीडियोस में बताया जाता है कि प्रोडक्ट क्या है और एक व्यूअर को ये क्यों खरीदना चाहिए। अब वो लिंक या तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो या फिर आप वीडियो में भी मेंशन कर सकते हो। वीडियोस के साथ साथ अफिलिएट मार्केटर्स इन प्रोडक्ट को आर्टिकल्स के थ्रू भी प्रमोट कर सकते हैं, जैसे हो गए आपके रिटन रिव्यूज। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा जो कि है, व्यूअर्स को आपकी वीडियोस के बारे में पता है और आप उनको प्रोडक्ट खरीदने में एनकरेज कर रहे हैं। शुरुआत में काफ़ी मेहनत लगेगी बट जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस गेन होगा आप और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं इसके थ्रू। अब आपका सेकेंड स्टेप, आखिर हम अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कैसे करें। अब फर्स्ट और फॉरमोस्ट स्टेप है कि जिस ब्रांड को आप पसंद करते हैं एंड प्रमोट करना चाहते हैं उसके साथ आप रिलेशन बनाएं और दिल से आप उनके बारे में बात करें ताकि आपका कंटेंट देख के व्यूअर्स एनकरेज हो और वो प्रोडक्ट खरीदे, लाइक समथिंग दैट यू कैनॉट मिस। अब अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, तो यार यूट्यूब का व्यूअर बड़ा समझदार है, वो समझ जाएंगे कि आप उनसे फिरकी ले रहे हो। तो उन्हीं प्रोडक्ट को प्रमोट करें जो आपको दिल से भाते हैं या आपको दिल से पसंद हो। इसके लिए आप एक लिस्ट बना सकते हैं उन प्रोडक्ट के बारे में जो आप ऑन अ डेली बेसिस देखते हो, और आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि उसमें कोई अफिलिएट प्रोग्राम है या नहीं। दूसरा स्टेप है उस प्रोडक्ट की वीडियो बनाना। अब देखो, जितना ऑनेस्टली बनाओगे उतना ही ऑडियंस अट्रैक्ट होगी, तो प्रोडक्ट की अच्छाई बुराई, क्या इम्प्रूव हो सकता है, सब बता मारो। इसके लिए आप बना सकते हो अनबॉक्सिंग वीडियो जिसमें आप उस पैकेज को शो कर सकते हैं कि उसमें क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई है, क्योंकि अनबॉक्सिंग वीडियो आपको एज अ व्यूअर बहुत वैल्यूबल इंसाइट देती है जिससे एक व्यूअर का माइंडसेट तैयार होता है प्रोडक्ट लेने और ना लेने के बीच। आप टॉप 10 लिस्ट भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक प्रोडक्ट को रेट करना हो तो आप उसको कैसे रेट करेंगे कंपैरेटिवली मार्केट में उसी टाइप के सेम प्रोडक्ट के साथ। ये भी एज अ अफिलिएट मार्केटर काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कोई प्रोडक्ट प्रमोट करने का। और हमेशा याद रखें कि अपनी वीडियो में ज़रूर बताएं कि इस अफिलिएट स्कीम के थ्रू आप पे किए जा रहे हैं, क्योंकि ये आपको लीगली बाइंडेड रखेगा। एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के बहुत तरीके हैं, आप उसकी वीडियो अपने हर सोशल मीडिया चैनल पर डाल सकते हैं, कमेंट्स में जितने हो सके उतने व्यूअर्स के सवालों के जवाब दे सकते हैं, साथ ही साथ आप लिंक डाल सकते हैं उन प्लेटफॉर्म्स पे जहां पर आपको लगता है कि वो कंटेंट डिस्कस हो रहा है। तो एक चैनल बनाएं और उसमें सही कीवर्ड का इस्तेमाल करें कि अगर कोई उस टॉपिक के बारे में सर्च करे तो उन्हें आपकी वीडियो ज़रूर दिखे। तो अब आप आ गए हैं तीसरे स्टेप पे कि अफिलिएट मार्केटिंग शुरू करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ है कमीशन रेट। हर ब्रांड का कमीशन रेट अलग होता है, कुछ ब्रांड आपको देंगे अप टू 50% और कुछ अराउंड 5%। तो शुरू करने से पहले कमीशन रेट के बारे में पूरी जानकारी लें और साथ ही साथ उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ें ताकि आपको हर चीज़ की क्लैरिटी रहे। और अगर आप पैशनेट हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में तो बेटर है ना कि
उसके बारे में बात करना आपके लिए भी प्रॉफिटेबल हो, एंड इसके लिए आप एक डेडिकेटेड चैनल या मल्टीपल चैनल्स भी खोल सकते हैं। अब दूसरी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना होगा वो है, आखिर अफिलिएट लिंक दिखता कहाँ है। अफिलिएट लिंक दिखता है आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। अब ये भी इशू होता है कि जब कोई बायर आपके यूट्यूब लिंक से उस वेबसाइट पर जाता है तो यूजुअली वो यूट्यूब एग्जिट कर देते हैं, अब वो प्रोडक्ट खरीदे या ना खरीदे। तो कोशिश यही की करिए कि अपनी वीडियोस पर जितने ज़्यादा व्यूज़ हो सके वो लाएं, साथ ही साथ अपनी सेल्स भी बूस्ट करें। अब आपको सेल्स और व्यूज़ के बीच में एक बैलेंस बनाना होगा जिससे लोग आपकी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखें, क्योंकि जितना ज़्यादा व्यूज़ होंगे आपकी वीडियो पर उतना ही यूट्यूब फेवरेबली वो कंटेंट शो करेगा, कोई भी अगर उसके बारे में सर्च करता है तो। अब तीसरी चीज़ है कि ये ध्यान रखें कि आप जो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं आपको उसके बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी ऑडियंस की नज़रों में आप उस प्रोडक्ट के एक्सपर्ट हैं। तो जितना हो सके उतना टाइम लें, उसके बारे में पढ़ें, रिसर्च करें, ताकि आपको प्रोडक्ट का इन एंड आउट पता हो, हर फीचर और वो कैसे काम करता है। ऑडियंस को ये भी बताएं कि क्यों वो प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ अदर प्रोडक्ट इन द मार्केट। चीज़ें रिपीट ना करें, कोशिश करें कि वीडियो HD में बनाएं और आप एक क्वालिटी माइक यूज़ करें प्रेजेंट करते हुए। प्लान करें, टाइम डेडिकेट करें और तब बनाएं वीडियो, एंड मेक श्योर दैट द ऑडियंस स्टेज एंगेज। तो गाइज, एट द एंड ऑफ द डे मैं यही बोलना चाहूँगा कि काफ़ी सारे बढ़िया रीज़न है अफिलिएट मार्केटिंग में आने के, और अगर आप ऊपर दिए हुए स्टेप्स को मन से फॉलो करते हैं तो आप खुद भी सरप्राइज हो जाएंगे कि आप इससे कितना कमा सकते हो। बस याद रखें, बी ऑनेस्ट, अच्छी चीज़ें बता रहे हैं तो साथ साथ बुरी चीज़ें भी बताएं। इससे ऑडियंस का ट्रस्ट गेन करेंगे आप और एक ऑथेंटिक वेल नोन अफिलिएटर बन जाएंगे आप यूट्यूब पर। तो इंतज़ार किस बात का है, आइए शुरू करते हैं।